अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन डॉक्टर समीना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के हवाले से है। एक फीमेल पूछ रही है, कैन आई गेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फ्रॉम अ टॉयलेट सीट बिकॉज आई ट्रेवल ऑफन। तो जहाँ कहीं भी रास्ते में लेन्स आते हैं, जो स्टे के लिए गेस्ट हाउस आते हैं, वहां पे अब मोस्टली यही ट्रेंड देखने में आ रहा है कि वहां पे टॉयलेट सीट्स नहीं होती, कमोड्स ज्यादातर होते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में स्किन आती है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है, क्या मुझे यहाँ से कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, खासतौर पे एचपीवी के हवाले से मुझे बहुत कंसर्न है कि वो ना लग जाए। इज दैट पॉसिबल डॉक्टर समीना टू गेट एन इन्फेक्शन फ्रॉम अ टॉयलेट सीट जो फ्रॉम आपने कमोड? पूछा इज इट पॉसिबल, तो इट्स नॉट पॉसिबल, सिंपली नो। ठीक है, लेकिन इसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ट्रैवल करती हैं और उनकी कुछ तो जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फैमिली ट्रिप्स होते हैं। जब भी फीमेल्स ट्रैवल करें तो एक तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने वजाइनल वॉश जरूर अपने बैग में साथ कैरी करें, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो अपनी हाइजीन के लिए आपको ये जरूर करना चाहिए कि अपने वजाइनल वॉश यूज करें आप। दूसरी बात यहाँ पर हो रही है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में आप एक चीज को बहुत क्लियरली समझ लें कि ये सरफेस के साथ कांटेक्ट से नहीं ट्रांसफर होता, इसकी ट्रांसफर में स्किन टू स्किन ट्रांसफर है। एक अगर आपके वो डोर नॉब्स हैं या कमोड है या टेबल्स हैं या कोई भी चीज जिसको आप हाथ लगाते हैं, सरफेस कॉन्टेक्ट में ये सब चीजें आ जाती हैं। इससे एचपीवी वायरस जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता, इसकी ट्रांसमिशन के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। ठीक है जी, ये तो इसके लिए जरूरी है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो। और दूसरी चीज ये भी है कि बहुत ज्यादा डरे नहीं, 2 से 3 4 साल में जैसे जैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है ये वायरस वीक होता चला जाता है और खत्म हो जाता है और यू विल बी ऑल राइट। जी थैंक यू।